साइकिल ट्रॉली ले लेता है, कोई रेडी ले लेता है, तो इस तरह से वो इंस्टॉलमेंट पे अपना कुछ ना कुछ ले लेते हैं, या कोई पेमेंट पे शीट स्प्रेड करके उस पे सामान रख के बेचते हैं। दे कैन बी ऑस्को टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाय द पुलिस। तो एक और प्रॉब्लम इनकी क्या होती है कि ये कभी भी पुलिस इनको आकर कहती है कि आप अपनी जो शॉप है इसको डिसमेंटल कर दो, इसको उठा लो, बंद कर दो। आप यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि इनको पुलिस आकर किसी भी टाइम कहती है कि आप अपना सामान नहीं बेच सकते हो रोड पे, स्ट्रीट पे। दे हैव नो सिक्योरिटी, इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। देयर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दीज हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। तो क्या है, बहुत बड़े बड़े जो शहर हैं जैसे चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ऐसे शहरों में इन हॉकर्स को एंटर होने की परमिशन नहीं मिलती है, अलाउड नहीं है इनको अन्य शहरों में जाने का। वेंडर सेल थिंग्स दैट आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट होम बाय देयर फैमिलीज। जो ये वेंडर्स होते हैं ये वही चीज़ें बनाते हैं, ये वही चीज़ें बेचते हैं जो इनकी फैमिली इनके फैमिलीज इनको बना कर देते हैं, वही ये जाकर बेचते हैं। हु परचेज क्लीन सॉफ्ट एंड मेक देम रेडी टू सेल। इनको कौन क्लीन करता है, सॉर्ट करता है, साफ करता है, तैयार करता है बेचने के लिए? फॉर एग्जाम्पल दोज हु सेल फूड और स्नैक्स ऑन द स्ट्रीट। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर कोई कोई खाना, किसी टाइप का फूड या कोई स्नैक स्ट्रीट पर बेचता है, तो प्रिपेयर मोस्ट ऑफ दीज एट होम। तो इनमें से बहुत से ऐसे स्नैक्स और फूड आइटम्स जो स्ट्रीट पर बेचते हैं ये लोग, ये क्या करते हैं, घरों में अपनी फैमिली से बनवा कर लाते हैं। यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई गई है, ऑफन वर्कर्स हु मेक ए लिविंग इन द सिटी आर फोर्स्ड टू सेट अप देयर होम्स ऑन द स्ट्रीट एज वेल। तो जो ये वर्कर्स हैं जो ये काम करते हैं शहरों में, इनको मजबूर किया जाता है कि इनके होम्स कहाँ पे होते हैं, गल स्ट्रीट्स पे। बिलो इन ए स्पेस वेयर सेवरल वर्कर्स लिव देयर बिलोंगिंग्स ड्यूरिंग द डे एंड कुक देयर मील्स एट नाइट। तो इनकी जो बिलोंग इनका जो सामान होता है वो दिन को कहाँ पे रखते हैं ये, एंड फिर जो रात आती है तो ये अपना खाना वहाँ पे पकाने लगते हैं, अपना सामान कैसे समेट कर रखते हैं। कई लोगों को तो कमरे भी नहीं मिलते हैं। आगे नेक्स्ट पेज है 86। देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज। यहाँ पे क्या तकरीबन है, 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कंट्री में, मुल्क में काम करते हैं अर्बन एरियाज में। स्ट्रीट वेंडिंग वॉज टिल रिसेंटली लुक्ड अपॉन ओनली एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक। क्या अब देखें, एक और प्रॉब्लम है इनके लिए। रिसेंटली ये देखा गया है कि ये जो रुकावटें आती हैं ट्रैफिक में, ये इन्हीं स्ट्रीट वेंडर्स की वजह से आती हैं। एंड टू पीपल वॉकिंग, और जो लोग चलते हैं, हाउएवर विद द एफर्ट ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इट इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज ए जनरल बेनिफिट एंड एज ए राइट ऑफ पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड। देखें, हाउएवर विद द एफर्ट ऑफ मैनी, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके पीछे हैं, ये अब रिकॉग्नाइज किया गया है, ये समझ लिया गया है कि एज ए जनरल बेनिफिट इन लोगों का हक है अपनी लाइवलीहुड, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, कुछ कमाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो इनको करना ही है। द गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ दैट बैन स्ट्रीट वेंडर। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि एक लॉ मॉडिफाई किया जाए जो स्ट्रीट वेंडर्स पर बैन लगा दिया जाए, इनको रोक दिया जाए। बैन मींस इनको टोटली काम नहीं करने दिया जाए, सो दैट दे हैव ए प्लेस टू वर्क एंड दैट देयर इज़ ऑल्सो ए फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड पीपल।
तो वो किस लिए है, गवर्नमेंट किस लिए ऐसा कर रही है, करने की सोच रही है कि इनको सो दैट दे हैव ए प्लेस, इनको एक जगह दी जाए काम करने के लिए, एंड दैट देयर इज ऑल्सो ए फ्री फ्लो, आराम से फ्री फ्लो रहे ट्रैफिक की और लोगों का भी। हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज, जो हॉकिंग जोन्स हैं हॉकर्स के लिए जो जोन्स बनाए गए हैं, ये सजेस्ट किए गए हैं टाउन्स एंड सिटीज में, वो जगह दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट मोबाइल वेंडर्स शुड बी अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली, सिर्फ जो मोबाइल जो वेंडर कौन से जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं उन्हीं को अलाउड है मूव करें फ्रीली। हॉकर्स नीड टू बी पार्ट ऑफ कमिटीज दैट आर सेट अप टू टेक दीज एंड अदर डिसीजन।